आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशातारिणे मंशाकल्पतरूपेश्च कृपासिन्धुमयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्ये नष्ट प्रायशो भद्रेषु नित्यं भागवत सेवय। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देविकी नंदनाय च नंद गोपर कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सर्ववेदांत सारमे श्री भागवतम इष्यते तद्रसामृतात्रप्तस्य नान्यत्र शाद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्तद धाम वृंदावन रम्य काचिदुपासना ब्रज वधूवर्गेण या कल्पितम्। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेम कुमार्थमः श्री चैतन्य महाप्रभुत मतम इदम् तत्राधरो न परम् मूकं करोति वाचालम् अंगूलं घ्रियते गिरिम् यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद से, 8वें स्कंद के 22वें अध्याय से, जिसका नाम है बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण। इसमें हमने श्रवण किया था कि बलि महाराज भगवान के द्वारा बंदी बना लिए गए, गरुड़ के द्वारा भगवान ने गरुड़ के द्वारा उनको बंदी बना लिया। तो यद्यपि ऊपर से ऐसा लग रहा था कि भगवान ने बलि महाराज के साथ दुर्व्यवहार किया, कई बार भगवान ऐसा करते हैं, ऐसा लगता है कि दुर्व्यवहार कर रहे हैं, किंतु बलि महाराज अपने संकल्प पर अडिग थे, यह सोचते कि मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया है, वे इस प्रकार बोले। बलि महाराज कहते हैं भगवान से, हे परमेश्वर, हे सभी देवताओं के परम पूज्य, यदि आप सोचते हैं कि मेरा वचन झूठा हो गया है तो मैं उसे सत्य बनाने के लिए अवश्य भूल सुधार लूंगा। मैं अपने वचन को झूठा नहीं होने दे सकता, अतः आप कृपा करके अपना तीसरा कमल रूपी पग मेरे सिर पर रखें। तो यहाँ पे एक वचन बोला उसको झूठा, अगर वो झूठा लग रहा है, झूठा था नहीं, क्योंकि भगवान ने अपना रूप विराट कर लिया था, तो जो उनके साथ ठगी हो रही थी भगवान द्वारा हो रही थी, लेकिन वो भगवान की कृपा थी। वो एक वचन को झूठा नहीं हो उसके लिए पूरा प्रयास कर रहा। इस संसार में, भौतिक संसार में देखा जाता है, व्यक्ति का झूठ बोलना बिजनेस है, कभी कभी सत्य भी बोल देता है, ये रूटीन का बिजनेस है झूठ बोलना, लेकिन कभी 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 सत्य भी बोल देता है। तो मैं उसे सत्य बनाने के लिए अवश्य भूल सुधार लूंगा, मैं अपने वचन को झूठा नहीं दे सकता, अतः आप कृपा करके अपना तीसरा कमल रूपी पग मेरे सिर पर रखें। मैं अपनी सारी संपत्ति से वंचित होने, नारकीय जीवन बिताने, गरीबी के लिए गरुण पाश द्वारा बांधे जाने, ये आपके दंडित होने से उतना भयभीत नहीं होता जितना कि दान न देने से जो आपकी कीर्ति होती है उससे। यद्यपि कभी कभी किसी के व्यक्ति के पिता, माता, भाई या मित्र उसके हितैषी के कारण उसे दंडित कर सकते हैं, किंतु वे कभी भी अपने आश्रित को इस प्रकार दंडित नहीं करते। किंतु आप परम पूज्य भगवान है, अतः आप मुझको जो दंड दिया है उसे मैं अत्यंत प्रशंसनीय समझता हूं। और बाद में तत्ते अनुकंपा सुसूक्ष्मणो यह श्लोक में बताते हैं कि दंड भी भगवान की कृपा है। अगर किसी ने, और इसी श्लोक में, कि अगर किसी ने इस दंड को स्वीकार कर लिया, अपने विगत कर्मों के कारण सभी प्रकार की विषम परिस्थितियों को सह लिया, सारे दंडों को स्वीकार कर लिया, और तन मन तथा वाणी से सदैव भगवान की भक्ति में लगा रहा और आपको नमस्कार करता रहा, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से मुक्ति का योग्य पात्र है, आपके पास आने का पात्र है, क्योंकि उसने सारे दंडों को भी चुपचाप सहन कर लिया और बिना किसी विचलन के तन मन वाणी से सदैव भक्ति में लगा। इस प्रकार से हमने सुना था कल, आज इसी के आगे 5वें श्लोक से सुनेंगे, 8वें स्कंद के 22वें अध्याय के 5वें श्लोक से। तम नूनम मनुष असुराणाम न परोक्ष परमो गुरु परम गुरु योना योना अनेक मंदंधानाम विभ्रंश चक्षु आदि आदिशत। चूंकि आप हम असुरों के अप्रत्यक्ष रूप से महानतम शुभ चिंतक है, अतः हमारे सर्वोच्च कल्याण के लिए ऐसे कर्म करते हैं जैसे कि आप हमारे शत्रु। हमारे कल्याण के लिए ऐसे कर्म करते हैं जैसा लगता है कि लोगों को लगता है कि भगवान आप हमारे शत्रु हैं। बलि महाराज बोल रहे, लोगों को ऐसा लगता है आप हमारे शत्रु हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप हमारे महान शुभ चिंतक। तो लोगों के मन में जो भगवान की धारणा होती है उसको भी बलि महाराज कितना क्लेरिफाई कर रहे हैं, कितनी स्पष्ट रूप से कर रहे हैं कि यद्यपि
आप अप्रत्यक्ष रूप से महान शुभ चिंतक है। अप्रत्यक्ष रूप से क्यों बोला कि भगवान असुरों के बारे में भी उतना ही सोच रहे हैं जितना देवताओं के बारे में, लेकिन क्योंकि असुर बुरे कार्य करें तो भगवान डायरेक्टली उनको अगर सपोर्ट करते हैं तो ऐसा लगेगा कि भगवान असुरों को भी सपोर्ट कर, लेकिन उनका भी हित उनके भगवान के मन में, उनका भी उतना ही हित उनके मन में है जितना देवताओं के, लेकिन उनको भगवान डायरेक्टली इसने नहीं, तो लोग उसको गलत एग्जाम्पल समझ लेंगे कि ये असुरों को भी सपोर्ट करते हैं भगवान। भगवान अप्रत्यक्ष रूप से महान तप शुभ चिंतक है, जितना देवताओं का कल्याण होना चाहिए उतना असुरों का भी कल्याण होना चाहिए। लेकिन हम असुरों को जब आप सर्वोच्च कल्याण के लिए आप ऐसे कर्म करते हैं कि लगता है कि आप हमारे शत्रु, लगता है आप हमारे शत्रु। कई बार जैसे छोटे बालक को उसके माता पिता डांट दें, बार बार किसी चीज के लिए मना करें तो लगता है ये माता पिता मेरे शत्रु हैं, लगता है छोटे बच्चे को माता पिता मेरे शत्रु हैं, और उस तरीके से परमानेंट एनिमिटी डेवलप हो जाता है कि वो सोचते ये शत्रु ही है मेरा, ये व्यक्ति मेरा शत्रु। जबकि इसमें लिखा महानतम शुभ चिंतक, अगर वो वेल विशर वैसी एक्टिविटी नहीं करता तो वास्तव में नहीं करता तो शत्रुता हो जाती है, वो रेक्टिफिकेशन नहीं करता तो वास्तव में शत्रुता हो जाती। अप्रत्यक्ष रूप से महान चिंतक है, तो संसार में भौतिक संसार में ऐसा ही होता था, लेकिन महान लोग जो हैं अपना काम करते रहते, महान लोग फिर भी अपना काम करते रहते। जैसे प्रभुपाद ने अमेरिका में जाके जो ड्रग्स थे, ड्रग एडिक्ट थे, हिप्पीज थे, उनको सबको सुधारा, लेकिन कई लोगों ने बोला कि नहीं ये सबको कन्वर्ट कर रहे हैं। प्रभुपाद तो सुधारने के लिए गए थे, कई लोगों ने बोला कि ये उनको कन्वर्ट कर रहे हैं, सबको कृष्ण भावना उत्पन्न कर रहे हैं। क्या भगवान से कनेक्ट करना एनिमिटी है, शत्रुता है? लेकिन जो महान व्यक्ति होते हैं सारी चीजों को सहन करते हैं, प्रभुपाद ने ऐसा सारा सहन किया सारे, क्योंकि भौतिक संसार है, भौतिक संसार में जो चीटर है लेकिन स्वीट लैंग्वेज बोलता है, जो कुछ करे उसको लोग वेल विशर मानते हैं, चीटर है मूर्ख बनाता है उसको सब वेल विशर मानते हैं, और जो वास्तव में शुभ चिंतक है वो उसको शत्रु मानते, हमारी इंद्रिय तृप्ति में बाधा कर रहे। तो यहाँ पे चूंकि आप हम असुरों के, ये सबके लिए हमारे लिए प्रीचिंग कबल, आप हम असुरों के अप्रत्यक्ष रूप से महान शुभ चिंतक हैं, अतः हमारे सर्वोच्च कल्याण के लिए ऐसे कर्म करते हैं जैसे कि आप हमारे शत्रु, क्योंकि भौतिक लोग तो मूर्ख होते हैं, ये तो कई जगह बोल चुका है मूढ़, भागवत गीता बोल चुका है भौतिक लोग तो मूर्ख होते हैं, उसमें करने में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए बोलने में। कोई बोल सकता है गर्व का, ये तो गर्व का है कि भक्त लोग भगवान बोलते हैं तेषां सदतियुक्तानां भजितां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामोपयन्ति, अगर उनको बुद्धि नहीं देंगे तो जगत का कैसे समझ में आएगा कार्यकलाप, अगर भक्त को बुद्धि नहीं देंगे तो उसको जगत में कैसे समझ में आएगा कि जगत कितना बड़ा चीटर से भरा हुआ जगत कैसे समझ में आएगा, और फिर वो भगवान की तरफ कैसे मन लगाएगा। तो उसको उतना सफिशिएंट बुद्धि देना पड़ेगा कि जगत ऐसे सारे लोगों से भरा हुआ है जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी कर सकते। चूंकि हम असुर सदैव मिथ्या प्रतिष्ठा का पद पाने की महत्वाकांक्षा करते हैं, बलि महाराज बोल रहे हैं, अतः आप हमें दंडित करके हमारे ज्ञान चक्षु खोलते हैं जिससे हम सन्मार्ग देख सके। असुर वो बोल भी रहे कि आप हमें दंडित, एक्सटर्नली क्यों दंडित करते हुए दिखाई देते, हमारे शत्रु को दिखाई देते, क्योंकि आप हम लोग असुर लोग सदैव मिथ्या प्रतिष्ठा का पद पाने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, अतः आप हमें दंडित करके हमारे ज्ञान चक्षु खोलते हैं जिससे हम सन्मार्ग देख सही मार्ग देख सके। बलि महाराज ने भगवान को देवताओं की अपेक्षा असुरों का अधिक मित्र समझा, ये भक्त है भगवान बलि महाराज, तो इसलिए बोल रहे हैं आप तो हमारा ज्यादा कल्याण कर रहे हैं असुरों का,
वास्तव में तो ठीक है, असुरों को दंड देके देवताओं को राज्य के लिए, देवता राज्य लेके और फंस जाएंगे। इस भौतिक जगत में जिसे जितना अधिक धन मिलता है वो उतना ही आध्यात्मिक जीवन के प्रति अंधा बन जाता है। देवतागण भौतिक धन संपदा के लिए भगवान के भक्त हैं, किंतु यद्यपि भगवान प्रत्यक्ष रूप से असुरों के पक्ष में नहीं रहते हैं प्रत्यक्ष रूप से, फिर भी वे उन्हें मिथ्या प्रतिष्ठा के पदों से वंचित कर उनके शुभ चिंतक के रूप में कार्य, उनको ऐसी मिथ्या प्रतिष्ठा वाली पोजिशन से हटा देते। क्योंकि मिथ्या प्रतिष्ठा से लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए भगवान उन पर विशेष कृपा करके उनकी मिथ्या प्रतिष्ठा को हर लेते। बलि महाराज बोल रहे हैं, स्वयं असुरकुल के राजा, यस्मिन वैर अनुबंधेन व्युढ़ेन विभूतितरा बहबले भिरे सिद्धिम याम उह एकांत योगिनः तेनाहम निर्गति अस्मि भवता भूरि कर्मणा च वरुण पाशे नति व्रीडे न च व्यथे। आपसे लगातार शत्रुता रखने वाले अनेक असुरों ने अंततः महान योगों की सिद्धियां पाई। आप एक ही कार्य से अनेक उद्देश्यों की पूरी कर सकते हैं। भगवान एक कार्य करते हैं और हजार कार्य उसके साथ में हो जाते हैं। अवतार लेने आते हैं, खाली तीन उद्देश्य बताए भगवद गीता में, साधुओं का प्रसन्न करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, उनके हित के लिए, दुष्टों को मारने के लिए धर्म की स्थापना, लेकिन भगवान लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों काम कर देते हैं साथ। आप एक ही कार्य से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती है, भगवान की सुपर इंटेलिजेंस। एक कार्य करने से अनेक लोगों का कार्य, फलस्वरूप यद्यपि आपने मुझे अनेक प्रकार से दंडित किया है, फिर भी मुझे वरुण पास से बंदी बनाए जाने की न तो लज्जा है और न मैं कोई कोई अष्ट अनुभव कर रहा। बलि महाराज जो तीनों लोगों के राजे थे उनको वरुण पास से बांध दिया, फिर भी उनको कोई लज्जा नहीं। जो राजा दूसरों को बंदी बनाता था, देवताओं को भी बंदी बनाता था, वो राजा आज पूरी तीनों लोगों का राजा स्वयं बंदी बना हुआ है सबके सामने पब्लिकली। ना तो लज्जा है, ना मैं कोई कष्ट का अनुभव कर रहा हूँ। बलि महाराज बोल रहे हैं, सारा छीनने के बाद बॉडी भी दे दिया, कभी दे दिया, भी बंदे में, और बोल रहे हैं ना तो मैं कोई लज्जा है ना कोई कष्ट का अनुभव कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनको पता, अभी पता लग गया, इनफेक्ट उसके गुरु ने ही बता दिया था कि ये विष्णु है तुमको धोखा देने, अब उनको पता लग गया विष्णु है तो अब संतुष्ट हो कि मैंने सारा बलिदान किस लिए कर रहा हूँ, सारा आत्मनिवेदन किसके लिए कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर, विष्णु। अगर ऐसा ही चीटिंग जगत के लिए हो जाए तो व्यक्ति को तो हार्ट अटैक हो जाएगा कि जगत ने उसको धोखा दे दिया। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है इसलिए कि भगवान के लिए क्या, तो भगवान के लिए कोई भी कार्य है, उनके द्वारा चीट हो जाना भी प्रसन्नता है, उनके द्वारा दंडित हो जाना भी प्रसन्नता का कारण है। ये बलि महाराज यहाँ पूरे अध्याय में बताना चाहते, जगह जगह पर रिपीट कर। तात्पर्य बलि महाराज न केवल अपने ऊपर भगवान की कृपा की प्रशंसा की, अपितु अनेक अन्य असुरों के प्रति की गई कृपा को भी सहारा। चूंकि कृपा उदारता पूर्वक वितरित की जाती है, इसलिए परमेश्वर सर्व कृपालु कहे जाते हैं। शत्रुओं का भी कल्याण करते हैं, लेकिन शत्रुओं का कल्याण कैसे करते हैं? शत्रुओं का कल्याण मतलब असुरों का कल्याण कैसे करते हैं? दंड देके। अगर पापी व्यक्ति को पैम्पर किया जाएगा, उसको उसमें प्रोत्साहन किया जाएगा और पाप करेगा, उसको स्टॉप करना है, तुरंत स्टॉप करना। यहाँ पे उनको बांध दिया गया, पब्लिकली बांध दिया सारा लेख। ये उदारता पूर्वक कृपा। अगर किसी उद्यंड व्यक्ति की, पापी व्यक्ति की सहायता की जाए, उसको कह जाए तो पेपर हो जाएगा और पाप करेगा और पाप करेगा, नॉन स्टॉप पाप करेगा। सोचा कि यही अच्छा कार्य, इसी से मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं। लेकिन भगवान उधर दंड दे रहे हैं, इधर पुरस्कार दे रहे हैं, दोनों ही उनकी कृपा है। एक को दंड देके, क्योंकि दंड पाने योग्य है, लेकिन किसका उद्देश्य क्या है भगवान का? उसको सुधारना। उद्देश्य तो यही, ईर्ष्यावश तो नहीं कर रहे किसी को दंड,
भगवान को किससे ईर्ष्या होगी? सब तो भगवान की संतान। वास्तव में दंड वो जो ईर्ष्यावश किया जाता है किसी के प्रति कार्य, वो दंड हो। इसलिए परम भगवान कृपा करे, परमेश्वर सर कृपालु कहे जाते हैं। बलि महाराज तो निसंदेह पूर्णतः शरणागत भक्त थे, किंतु कुछ ऐसे असुरों ने जो रंच मात्र भी भक्त नहीं थे, अभी तो भगवान के शत्रु मात्र थे, वही उच्च स्थान प्राप्त किया जो अनेक योगियों ने प्राप्त किया। इस तरह बलि महाराज की समझ में ये आ गया कि उन्हें दंडित करने में भगवान का कोई गुप्त मतलब है, कोई गुप्त उद्देश्य है। भगवान ने बलि महाराज को क्यों दंडित? फलस्वरूप भगवान द्वारा जिस विषम स्थिति में डाल गए, भगवान ने उसको बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया था। विषम स्थिति बहुत ऑकवर्ड पोजीशन, पब्लिकली बांध दिया सबके सामने, पूरे तीनों लोगों के सामने। कहा तीनों लोग को बैराज, अगर कोई किसी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट और सब सबके सामने बांध कर दंड कर दिया, जेल में डाल दिया, उसके लिए कितना ह्यूमिलेशन होगा, कितना ह्यूमिलेशन होगा। यहाँ पर भगवान ने उन्हें बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया, जिससे न तो, लेकिन वो उससे न तो दुखी थे न लज्जित। पितामहो में भवदीय सम्मत आवि प्रहलाद आविष्कृत साधुवाद भवत विपक्षेण विचित्र वैशिष्यम संप्रापितम परम सपित्र। मेरे बाबा प्रहलाद महाराज आपके सारे भक्तों द्वारा मान्य होकर प्रसिद्ध है, बलि महाराज बोलते मेरे बाबा प्रहलाद महाराज मतलब उनके दादा, मेरे बाबा प्रहलाद महाराज आपके सारे भक्तों द्वारा मान्य होकर प्रसिद्ध हैं। भगवान को कह रहे, यद्यपि उनके पिता हिरण्यकश्यप ने उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट दिए थे, फिर भी वे आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर आज्ञा कर रहे। प्रहलाद महाराज ने भी बहुत सारी चीजें सहन की भगवान की भक्ति के लिए। हिरण्यकश्यप जो उनके संबंधी थे, उनके पिता ही थे, हिरण्यकश्यप ने अनेक प्रकार से कष्ट दिए, फिर भी आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर आज्ञाकारी बने रहे। फिर प्रहलाद महाराज जैसा शुद्ध भक्त परिस्थितिवश अनेक प्रकार की यातनाएं दिए जाने पर भी कभी भी भगवान की शरण छोड़कर अन्य किसी की शरण नहीं ग्रहण करते। शुद्ध भक्त कभी भगवान की कृपा के विरुद्ध शिकायत नहीं करता, हालांकि उसको दंड लगता है कि शत्रुता कल, लेकिन वो दंड भी उसके ऊपर कृपा है। इसलिए शुद्ध भक्त कभी भगवान कृपा के विरुद्ध शिकायत नहीं करता, चाहे कृपा दंड के रूप में हो चाहे पुरस्कार के। इसके ज्वलंत उदाहरण प्रहलाद महाराज। यदि हम उनके जीवन का अवलोकन करें तो हम देख सकते हैं कि उनके अपने ही पिता हिरण्यकश्यप ने बहुत कठोर कष्ट दिए, उनके अपने ही पिता, तो भी भगवान के ध्यान से तनिक भी विचलित नहीं। कोई भी दंड या बहुत और भी ज्यादा कठोर हो जाता है जब किसी अपने ही व्यक्ति द्वारा दिया गया, क्योंकि शत्रु का तो पता है कि शत्रु दंड देगा, शत्रु ईर्ष्या करेगा तो ईर्ष्या से दंड देगा। बलि महाराज अपने पितामह प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवान द्वारा दंड दिए जाने के बावजूद भी भगवत व्यक्ति में चल रहे। एक और इम्पोर्टेंट श्लोक है आगे, किमात्मनानेन जहाति अनंततः। किं रेक्त हारे स्वजनाख्य दस्युभि किं जाय जा संस्कृति हेतु भूतिया मत्सय गेहे किमिह आशुभय। उस भौतिक शरीर से क्या लाभ जो जीवन के अंत में अपने स्वामी को स्वतः छोड़ देता है? उस भौतिक शरीर से क्या लाभ जो जीवन के अंत में अपने स्वामी को स्वतः छोड़ देता है? स्वामी कौन है? आत्मा।
तो शरीर कब आत्मा को धोखा दे जाए ये पता नहीं। धोखा शरीर देता है, आत्मा नहीं देती। जब शरीर का समय हो जाता है तो आत्मा उसमें से निकलना पड़ता है, आत्मा फोर्स, क्योंकि शरीर जब तक जीवित है तब तक आत्मा। तो उस भौतिक शरीर से क्या लाभ जो जीवन के अंत में अपने स्वामी को सता छोड़ता है, स्वामी मतलब शरीर का आत्मा, उन और परिवार के उन सभी सदस्यों से क्या लाभ जो वास्तव में उस धन का अपहरण करते हैं जो दिव्य ऐश्वर्य के लिए भगवान की सेवा में उपयोगी हो सकता। यहाँ पे शरीर से बताइए, जैसे शरीर धोखा दे जाता है भौतिक, आत्मा को धोखा दे जाता है आत्मा स्वामी, उसी प्रकार और परिवार के उन सभी सदस्यों से क्या लाभ जो वास्तव में धन का केवल अपहरण कर लेते हैं, वो धन का जो दिव्य ऐश्वर्य के लिए भगवान की सेवा में उपयोगी हो सकता है। उस पत्नी से क्या भी क्या लाभ जो भौतिक दशाओं को बढ़ाने की स्रोत मात्र है। उस परिवार, घर, देश तथा जाति से भी क्या लाभ जिसमें आसक्त होने से सारे जीवन की मूल्यवान शक्ति का मात्र अपव्यय होता है। यहाँ पे बहुत ही सारी चीजों को उसका बताया गया कि इन सबसे क्या लाभ। उस परिवार, घर, देश तथा जाति से भी क्या लाभ जिसमें आसक्त होने से सारे जीवन की मूल्यवान शक्ति का मात्र अपव्यय होता है। ये लोग सब व्यक्ति के भगवान के प्रति जो एनर्जी है उसको नष्ट करने वाले। तात्पर्य भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। सामान्य व्यक्ति भगवान के ऐसे कथन को महत्व नहीं देता, क्योंकि वो सोचता है कि उसके जीवन काल में उसका परिवार, उसका समाज, उसका देश, उसका शरीर तथा कुटुंबी, ये सब कुछ, वो भला इनको छोड़कर भगवान की शरण क्यों ले। सामान्य व्यक्ति की समझ में नहीं आता, सामान्य व्यक्ति की चीज समझ में नहीं आता। किंतु प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज जैसे महापुरुषों के आचरण से हम समझते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए भगवान की शरण में जाना ही सही कर्म है, नहीं तो उसका बाकी जगह पर शरण में जाना शक्ति का अपव्यय मात्र है। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध शरण ले ली, इसलिए अपने अपने नीरस्त जो पिता थे उनकी भी इच्छा के विरुद्ध शरण ले ली, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया था। और इसी प्रकार बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ के और अन्य सभी प्रमुख असुरों की इच्छा के विरुद्ध वामन देव की शरण ले ली। लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज ने अपने परिवार तथा घर बार के सहज आकर्षण को त्याग कर शत्रु के पक्ष की क्यों शरण ली। हिरण्यकश्यप के लिए जो प्रहलाद के पिता थे उनके लिए विष्णु शत्रु थे, इधर बलि महाराज के लिए असुरों के लिए विष्णु शत्रु थे, लेकिन दोनों ने इतने जगत का, परिवार का आकर्षण छोड़ के दोनों ने उनके उनके शत्रु की शरण क्यों ले ली। इस प्रसंग में बलि महाराज बताते कि शरीर भी जो कि समस्त भौतिक कार्यकलापों को केंद्र बंधु, ये भी एक बाह्य तत्व है। यदि हम शरीर को स्वस्थ एवं अपने कार्यकलापों में सहायक बनाना रखना चाहते हैं, किंतु शरीर सारे टाइम हमारा साथ नहीं देता। यद्यपि मैं आत्मा हूं जो कि नित्य, किंतु शरीर को कुछ काल तक उपयोग में लाने के बाद मुझे प्रकृति के नियम के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ता है। मतलब शरीर ने भी धोखा दे दिया अभी, तथा देहांतर प्राप्ति। यदि मैं शरीर से भक्ति में उन्नति के लिए कुछ सेवा कार्य न करूं तो ये शरीर तो मेरे लिए बेकार, इसका पालना ही बेकार, क्यों पालूं उसे। जब ये असली काम ही नहीं आ रहा है तो क्यों पाला जाए इसको, क्यों खाना खिलाया जाए, क्यों इसको अस्पट रखा जाए। यदि मैं शरीर से भक्ति में उन्नति के लिए कुछ सेवा कार्य नहीं कर पाऊं तो क्यों इस शरीर को पालना चाहिए। और जो भिक्षा मांग के पालता तो और भी ज्यादा के और भी पाप कर रहा है। मनुष्य को जानना चाहिए कि यदि वह शरीर का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रहा है तो समय का अपव्यय करता है, क्योंकि जब समय आएगा तो आत्मा स्वयं शरीर को छोड़ देगा। समाज, मित्रता तथा प्रेम में हम अत्यधिक रुचि दिखलाते हैं, किंतु ये हैं क्या। मित्र तथा कुटुंबियों के वेश में ये लोग मोहग्रस्त जीव के परिश्रम पूर्वक अर्जित धन को मात्र लूटते रहते हैं।
जो मित्र तथा कुटुंबियों के वेश में वे लोग मोहग्रस्त जीव के परिश्रम पूर्वक अर्जित धन को मात्र लूटते रहते हैं। हर व्यक्ति अपनी पत्नी के प्रति आसक्त रहता है, वो उसे प्रिय होती है, लेकिन वो पत्नी भी है क्या? पत्नी स्त्री कहलाती है, जिसका अर्थ है, स्त्री का मतलब होता है भौतिकता का विस्तार करने वाली। जो व्यक्ति पत्नी के बिना जीवन बिताता है उसकी भौतिक अवस्थाएं कम विस्तृत रहती हैं। जो ही मनुष्य विवाह करके पत्नी संबंध जोड़ते आते हैं उसकी भौतिक आवश्यकताएं बढ़ती जाती है। पुंसम स्त्रिया मिथुनि भाव मेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथिमा हूं अतो अग्र क्षेत्र सुताप्त वित्ते जन से मोहमयमेति। इस भौतिक संसार का मूल सिद्धांत नर तथा नारी के मध्य आकर्षण है। इस भ्रांत धारणा से जिससे नर तथा नारी के हृदय बनते हैं, मनुष्य अपने शरीर, घर, संपत्ति, संतान, कुटुंबी तथा धन के प्रति आकर्षित हो जाता है। इस प्रकार जीवन का मोह बढ़ता जाता है और जीव मैं तथा मेरे के रूप में सोचने लगता है। ये भागवतम के पांचवें स्कंद के पांचवें अध्याय का आठवां श्लोक। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार के लिए और अवांछित वस्तुओं की वृद्धि के लिए नहीं है। तो स्त्री जो है अवांछित वस्तुओं को बढ़ावा देती है, उससे विस्तार करती है। मनुष्य का जीवन काल, उसका घर, उसके पास की प्रत्येक वस्तु यदि वे भगवान की सेवा में उचित ढंग से नहीं लगाई जाती तो वे तीन प्रकार के कष्टों के लिए स्थायी दुखदायक भौतिक अवस्थाएं उत्पन्न करने वाली बनती। आदि देवी का आदि भौतिक, अगर वो विस्तार करता जाता है तो ये तीन प्रकार के कष्ट भी बढ़ते जाते। विस्तार जितना विस्तार करता जाता है उतने उसके आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि देविक के लिए स्थायी दुखदायक भौतिक अवस्था उत्पन्न करने वाली बनती है। दुर्भाग्यवश समाज में इस विषय पर शिक्षा देने वाली कोई संस्था नहीं है। लोगों को जीवन की के जीवन उद्देश्य के विषय में रखा जाता है, जिससे निरंतर जीवन संघर्ष चलता रहता है। हम योग्यतम की उत्तरजीविता की बात करते हैं किंतु कोई इससे बचता नहीं, क्योंकि इन भौतिक अवस्था में से कोई भी स्वतंत्र नहीं। इत्थम सनिश्चित पिता महो महान अगाध बोध भवत पाद पद्म ध्रुवम प्रपेदे अकुल अकुत भयम जना भीता स्वपक्ष क्षपणस्य सत्तम। मेरे पितामह मल्लभ प्रहलाद महाराज के बारे में बोल रहे हैं, जो सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ थे और जिन्होंने असीम ज्ञान प्राप्त किया था और जो हर एक के द्वारा पूज्य थे, वे इस जगत के सामान्य लोगों से भयभीत रहते थे। प्रहलाद महाराज जगत के सामान्य लोगों से डरते थे क्योंकि उनके संपर्क में आने से ही सामान्य लोगों, ऑर्डिनरी लोगों, इसलिए उनको ऑर्डिनरी बोला गया। मेरे पितामह जो सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ थे और जिन्होंने असीम ज्ञान प्राप्त किया और जो हर एक तरह पूज्य थे, वे जगत के सामान्य लोगों से भयभीत रहते थे। सामान्य लोग मतलब भौतिकतावादी लोग। आपके चरण कमलों में प्राप्त होने वाले आश्रय को पूर्णतः समझ कर ही उन्होंने आपके द्वारा मारे गए अपने पिता तथा अपने असुर मित्रों की मित्रों को पिता को छोड़ दिया। इच्छा के विरुद्ध आपके चरण कमलों की शरण, ना पिता की बात मानी ना मित्रों की बात मानी, आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की। अल्टीमेटली पिता मारे गए, असुर मित्र मारे गए और प्रहलाद महाराज जी सक्सेसफुल रहे, वही सफल रहे, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरणों की शरण ले ली। बुद्धिमान अथामपि आत्मरिपो वान्तमान्तिकम् देवेन नीत प्रशभम त्याजित श्री इदं कृतन्तन्तिक्वर्ति जीवितं यया ध्रुवं स्तब्धा मति न बुद्ध्यते। मैं तो देवाशी बलपूर्वक होकर आपके चरण में लाया हूं, अपने समस्त ऐश्वर्य से विहीन कर दिया गया हूं। सामान्य संसारी लोग भौतिक स्थिति में रहकर रहते हुए नश्वर ऐश्वर्य द्वारा उत्पन्न मोह के कारण पग पग प्राकस्मिक मृत्यु का सामना करते हुए नहीं समझ पाते कि जीव नश्वर। मैं तो देवशी उस स्थिति से बच गया हूँ। बलि महाराज बोलते हैं, आपने मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं बहुत अच्छा हूँ, बच गया इस स्थिति से। मैं बलपूर्वक देव
मैं देवर्षि बलपूर्वक आपके चरणों में लाया गया हूँ और अपने समस्त ऐश्वर्य से विहीन कर दिया गया हूँ। सामान्य संसारी लोग भौतिक स्थितियों में रहते हुए नश्वर ऐश्वर्य द्वारा उत्पन्न मोह के कारण पग पग पर आकस्मिक मृत्यु का सामना करते हुए नहीं समझ पाते कि जीवन नश्वर है। मैं तो देवर्षि उस स्थिति से बच गया। तात्पर्य बलि महाराज ने भगवान के कृत्यों की सराहना की, भगवान के कार्य का, हालांकि भगवान ने उनका सब कुछ ले लिया तो भी भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, कौन ऐसा कर सकता। बलि महाराज ने भगवान के कृत्यों की सराहना की, यद्यपि प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज के अतिरिक्त असुर परिवारों के सारे सदस्य विष्णु को अपना शाश्वत पारंपरिक शत्रु मानते, जैसा कि बलि महाराज ने वर्णन किया, वास्तव में भगवान विष्णु उनके परिवार के शत्रु नहीं अपितु सर्वोत्तम मित्र थे। इस मैत्री का सिद्धांत पहले ही बता चुका है कि यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तदनम तद्धनम शने, भगवान अपने भक्त का सारा भौतिक ऐश्वर्य छीन कर उस पर विशेष कृपा करते हैं। बलि महाराज ने भगवान के इस व्यवहार की सराहना की, इसलिए उन्होंने कहा, देवे नितः प्रसभम त्याजित श्री, अपने शाश्वत जीवन के सही पथ पर लाने के उद्देश्य ही मुझे इस परिस्थिति में डाल दिया गया। वस्तु तो हर एक मनुष्य को चाहिए कि वह तथाकथित समाज मैत्री तथा प्रेम से डरे जिनके लिए वह अहर्निश श्रम करता है, जैसा कि बलि महाराज है। जनाद भीतर शब्द के द्वारा संकेत किया गया प्रत्येक कृष्ण भावना वाला व्यक्ति को सामान्य मनुष्य भयभीत रहना चाहिए, ऑर्डिनरी लोगों से भयभीत ही रहना चाहिए, दूरी रखना चाहिए अपना। जो भौतिक संपत्ति के पीछे पागल है ऐसा व्यक्ति प्रमत्त या पागल कहलाता है, जो माया जाल का पीछा कर रहा है। ऐसे व्यक्ति यह नहीं जानते कि कठिन जीवन संघर्ष के बाद मनुष्य को शरीर बदलना पड़ता है और ऐसा भी निश्चित नहीं कि अगला शरीर किस तरह का होगा। जो पूर्ण रूप में कृष्ण भावना भावित है और जीवन के लक्ष्य को समझते हुए कभी भी भौतिक कार्यकलापों की घोड़ दौड़ में नहीं पड़ता, किंतु यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति किसी तरह च्युत हो ही जाता है तो भगवान उसे सुधार लेते हैं और नारकीय जीवन के घोरतम अंधकार में गिरने से बचा लेते हैं। यदि कोई निष्ठावान भक्त तो उसको बचाते हैं भगवान, बाकी को नहीं बचाते। निष्ठावान भक्त किसी तरह च्युत हो जाता है, गिर जाता है, तो भगवान उसे सुधार लेते हैं और नारकीय जीवन के घोरतम अंधकार में गिरने से बचा लेते हैं। अदा अदार्त गोभीर्मिषताम तमिस्त्रम पुनः पुनश्चर्मित चर्मण नाम, भौतिक जीवन शैली आखिर है क्या? मात्र चबाए वो को बारंबार चला, जो बाकी सारे लोग पहले जनरेशन चबा चुके हैं उसी को चबा रहे, नई जनरेशन उसको चबा रहे। भौतिक जीवन शैली आखिर है क्या? क्या मात्र चबाए वो को बारंबार चबाना? यदि यद्यपि ऐसे जीवन से कोई लाभ मिलता नहीं है, किंतु लोग असंयमित इंद्रियों के कारण असंयमित कारण ऐसे जीवन की तरफ आकर्षित होते हैं। नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म, असंयमित इंद्रियों के कारण लोग पाप कर्म पूरी तरह लग जाते हैं जिनसे कष्टदायक शरीर प्राप्त होता है। बलि महाराज सराह रहे हैं कि भगवान ने किस तरह उन्हें ऐसे ज्ञान के मोहग्रस्त जीवन से बचा लिया, इसलिए उन्होंने कहा है कि उनकी बुद्धि चकरा गई थी। स्तब्ध मतिर न बुद्धियते, वे समझ ही नहीं सके कि भगवान किस प्रकार भक्तों के भौतिकतावादी कार्यकलाप को जबरन रोक कर उन पर कृपा करते, उनके भौतिकतावादी कार्यकलापों को बंद करवा देते हैं, जबरदस्ती बंद करवा देते हैं। लगता है भगवान शत्रु हैं, लेकिन वे उस पर कृपा करते हैं, उनके भौतिकतावादी काम बंद करा के उनको आध्यात्मिक कार्यों में लगा देते। हम प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं कि किस प्रकार प्रभुपाद का भौतिकतावादी जीवन भगवान ने बंद करवा दिया, पूरा लॉस करवा के सब कुछ बंद करवा दिया और आध्यात्मिक कार्य में लगा दो। श्री शुक वाच, अगले श्लोक में आता है, तत्सित्थम भाषण मानस्य प्रहलादो भगवत प्रिय आज गाम कुरुश्रेष्ठ राका पतिवुत्थित। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ, जब बलि महाराज इस प्रकार अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे थे, जिनका सब कुछ चला गया वो अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे, कौन दुनिया में ऐसा होगा जो सोचेगा कि जैसे सब कुछ को गंवा दिया, बंदी अलग बना ली गई और अपने भाग्य की प्रशंसा करो।
कुरुक्षेत्र बलि महाराज इस प्रकार अपने भाग्य की प्रशंसा करे तो भगवान के परम प्रिय भक्त प्रहलाद महाराज वहां प्रकट हुए, मानो रात्रि में चंद्रमा का उदय हुआ है, उसी समय उनके बाबा या उनके दादा प्रकट हो गए। तमिंद्र सेना स्वपिता महम श्रिया विराजमानम नलिनायत क्षण प्रांशुम पिशंगाम्बर प्रांशुम पिशंगाम्बर मंजन तिष्ठम प्रलंब बाहुम शुभग्र शुभम एक्ष। तब बलि महाराज ने परम भाग्यशाली व्यक्ति अपने पितामह प्रहलाद महाराज को देखा, जिनका श्यामल शरीर आंखों के अंजन जैसा लग रहा था, मतलब ऐसे काजल डालने से आनंद आता है, ऐसे ही उनका श्यामल शरीर प्रहलाद महाराज का देख के बलि महाराज के आंखों को अंजन जैसा लग रहा था। उनका लंबा भव्य शरीर पीताम्बर धारण किए था, उनकी भुजाएं लंबी थी, उनकी सुंदर आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान थी, वे सबके अत्यंत प्रिय तथा मोहक। तस्मै बलिमारुण पाश यंत्रिता समर्हणम् न उपजहार पूर्वत् ननाम मूर्धना शुभिलोल लोचना स्रवीड नीचिन मुख बहु। वरुण पाश से बंधे होने के कारण बलि महाराज पहले की तरह प्रहलाद महाराज को भली भांति सम्मान नहीं दे पाए, क्योंकि बंधे हुए थे, उनको नाग वरुण पाश से बांध रखा था बलि महाराज को भगवान। उन्होंने केवल सिर के द्वारा प्रणाम किया, उनके नेत्र अश्रुपूरित थे, लज्जा से उनका सिर नीचा हो गया। बलि महाराज क्या लज्जा से सिर नीचा होगा, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि प्रहलाद महाराज मेरे दादा क्या सोचेंगे कि मैंने क्या गलती करी जिससे मुझको भगवान ने बांध दिया, इसलिए उनको लज्जा आ रही है अपने दादा के सामने। तात्पर्य चूंकि बलि महाराज को भगवान वामनदेव ने बंदी बनाया था, अतः वे निस्संदेह अपराधी माने जाने योग्य थे, और बलि महाराज गंभीरता पूर्वक अनुभव भी कर रहे थे कि वे भगवान के अपराधी। प्रहलाद महाराज को निश्चित रूप से अच्छा नहीं लगा, इसलिए बलि महाराज लज्जा से अपना सिर नीचा किए। शतत्रासिनम उदीक्ष तत्पतिम हरिम सुनंदादि अनुगे उपासितम उपेत्ति भूमो शीर्षा महामना नना मूर्धना पुलकाश्रु विक्त। जब प्रहलाद महाराज ने देखा कि वहां पर सुनंद जैसे अपने घनिष्ठ संगियों से घिरकर एवं पूजित तो होकर भगवान बैठे हैं, भगवान के जो पार्षद होते हैं सुनंद और दूसरे नंद सुनंद, ये पार्षद जय विजय नंद सुनंद ये सब पार्षद, बैठे हैं तो उनकी आंखें प्रेम अश्रुओं से छलछला उठी। उनके पास जाकर और भूमि पर गिरकर उन्होंने सिर के बल भगवान को प्रणाम किया प्रहलाद महाराज। अभी प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्री प्रहलाद वाच पयेव दत्तम पदमेन्द्र मूर्जितम रतम ततेव तथाएव शोभनम मन्ये महारस्य कृतहि अनुग्रह विभ्रंशिता यत् श्रीयात्ममोहन। प्रहलाद महाराज ने कहा, प्रभु इस बलि को इंद्रपद का महान ऐश्वर्य आपकी ही देना। प्रहलाद महाराज बोलते हैं भगवान से, अपने पोते के बारे में ही बोलते हैं, भगवान के फेवर में बोलते हैं, इस बलि को इंद्रपद का महान ऐश्वर्य आपकी देने, और अब आपने उस ऐश्वर्य को छीन लिया। मेरे विचार से दोनों ही आप बार आपने बड़ा सुंदर काम किया है, क्योंकि स्वर्ग के राजा का उच्च पद उसे अज्ञान के अंधकार में डाले हुए था, अतः आपने सारा ऐश्वर्य छीनकर उसके ऊपर महान अनुग्रह किया। तात्पर्य कहा गया, यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तदरणम शरणे, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं उसका वो सारी चीजें हर लेता हूं जो भक्ति के मार्ग में बाधा। भगवान की कृपा से मनुष्य को सारा भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है, किंतु यदि इस ऐश्वर्य से मनुष्य गर्वित होता है और आत्म साक्षात्कार की विधि को भूल जाता है तो भगवान उस ऐश्वर्य को अवश्य छीन लेते हैं। भगवान अपने भक्त को उसका वैधानिक पद ढूंढने में सहायक बनाकर अनुग्रह, इसलिए भगवान भक्त की हर सहायता करने के लिए सदैव तैयार रहता है। लेकिन कभी कभी भौतिक ऐश्वर्य घातक हो जाता है, क्योंकि इससे मनुष्य का ध्यान इस मिथ्या प्रतिष्ठा की ओर खींच जाता है कि मैं हर वस्तु का स्वामी है, जबकि तथ्य इसके विपरीत रहता है, वो हर वस्तु का स्वामी नहीं। भक्त को इस भ्रम से बचाने के लिए भगवान विशेष कृपा प्रदर्शित करके कभी कभी उसका सारा धन छीन लेते हैं,
यस्याम अनुग्रहामि हरिष्ये तदनम। यया हि विद्वान् अपि मय्यते यत् तथा कविचष्टे गतिमात्मना यथा तस्मे नमस्ते जगतीश्वराय नारायणाखिल लोक साक्षिणे। भौतिक ईश्वर इतना मोहक है कि विद्वान तथा आत्मसंयमी व्यक्ति भी आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य को खोजना भूल जाता है। भौतिक ईश्वर इतना मोहक है कि विद्वान तथा आत्मसंयमी व्यक्ति भी आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य को खोजना भूल जाता है, लेकिन भगवान नारायण जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं अपनी इच्छा अनुसार प्रत्येक वस्तु को देख सकते हैं, अतः मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। तात्पर्य को विचष्टे गतिमात्मनो यथा, शब्द सुजीत कहते हैं कि जब मनुष्य भौतिक ऐश्वर्य का स्वामी होने की झूठी प्रतिष्ठा से फूल जाता है तो निश्चित रूप से वह आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य की उपेक्षा करने लगता है। आधुनिक की ऐसी स्थिति, भौतिक ऐश्वर्य में तथाकथित वैज्ञानिक प्रगति के कारण लोगों ने आत्म साक्षात्कार के मार्ग को पूरी तरह त्याग दिया। व्यवहारिक दृष्टि से कोई भी व्यक्ति ईश्वर, ईश्वर के साथ अपने संबंध या और किस तरह कर्म करे उसके उन सब के विषय में रुचि नहीं रखता। आधुनिक व्यक्तियों ने ऐसे प्रश्नों को सर्वथा भुला दिया है क्योंकि वे भौतिक संपत्ति के पीछे पागल हुए रहते। यदि इस प्रकार की सभ्यता जारी रही तो शीघ्र वह समय आएगा जब भगवान सारा ऐश्वर्य छीन लेंगे, तब लोगों की आंखें खुलेंगी। श्री शुक वाच तस्य अनुशनमतः राजन प्रहलादस्य कृतांजलि। हिरण्यगर्भ भगवान उवाच मधुसूदनम, हे राजा परीक्षित, तब ब्रह्मा जी अपने पास हाथ जोड़कर खड़े प्रहलाद महाराज को सुनाकर भगवान से कहने लगे। तो प्रहलाद महाराज के साथ वहां पे ब्रह्मा जी भी थे। बद्धम वीक्ष्य पतिं साध्वी तत्पत्नी भय विह्वलता प्रांजलि प्रणता उपेन्द्रम बभाषे अवाक मुखी अवाक मुखी न। लेकिन बलि महाराज की सती पत्नी अपने पति को बंदी देखकर भयभीत तथा दुखी थी। उसने तुरंत भगवान वामन देव उपेन्द्र को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर इस प्रकार बोली। यद्यपि ब्रह्मा जी बोल रहे थे उन्हें थोड़ी देर रुकना पड़ा क्योंकि बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली जो अत्यंत उद्वेलित एवं भयभीत थी कुछ कहना चाह रही थी। उसने अब जब अपने पति को बंदी देखा था। श्री विंध्यावली वाचा, विंध्यावली बोलती है, क्रीडार्थम आत्मन इदम त्रिजगत्ते स्वाम्यम तु तत्र कुधियो परिश कुरियो कर्तु प्रभो सब किमिया किमस्य तावहन्ति त्यक्त्वा त्यक्त्वा हि त्वकार रोपित क्रतु वाद। श्रीमती विद्यावली ने कहा, हे प्रभु, आपकी निजी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड, आपने अपनी निजी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, किंतु मूर्ख तथा बुद्धिमान व्यक्तियों ने भौतिक भोग के लिए उस पर अपना स्वामित्व जताया। निसंदेह में निर्लज्ज संशयवादी हुए वे झूठे ही स्वामित्व जताकर ये सोचते हैं कि वे उसको दान दे सकते हैं और भोग सकते हैं। ऐसी दशा में भला वे आपकी कौन सी भलाई कर सकते हैं जो इस ब्रह्मांड के स्वतंत्र सृष्टा पालक तथा संहारक। तात्पर्य बलि महाराज की पत्नी ने अत्यंत बुद्धिमती होने के कारण अपने पति के बंदी बनाए जाने का अनुमोदन किया कि ठीक किया, क्योंकि उसको लगा कि ये देने वाले कौन हो सकते, झूठे स्वामित्व को जताकर लोग जगत में इस जगत झूठा समझ जाते हैं। और उन पर बुद्धिहीन होने का आरोप लगाया क्योंकि उन्होंने भगवान की संपत्ति पर अपना स्वामित्व जताया। ऐसा दावा असुरी जीवन का लक्षण है। यद्यपि देवतागण जिन्हें भगवान ने व्यवस्था चलाने के लिए कार्यकारी नियुक्त किया है भौतिक भोगों के प्रति आसक्त रहते हैं, किंतु वे कभी भी ब्रह्मांड पर अपना स्वामित्व नहीं जताते। देवता लोग कभी भी ब्रह्मांड पर अपना स्वामित्व नहीं जताते, हालांकि भौतिक भोगों के प्रति आसक्त रहते हैं। उन्हें ज्ञात है कि हर वस्तु का वास्तविक स्वामी भगवान है। देवताओं की यह योग्यता है, किंतु असुरगण भगवान के एकाधिकार को स्वीकार न करने के बजाय राष्ट्रीयता की हद बंदी के माध्यम से ब्रह्मांड तक ब्रह्मांड की संपत्ति का दावा करते हैं। वे कहते हैं, यह अंश मेरा है और यह अंश तुम्हारा है,
मैं इस भाग को दान में दे सकता हूँ, इस भाग को निजी भोग के लिए, ये मेरा दान का है और ये मेरा निजी भोग के लिए, ऐसा डिवाइड करते हैं सब लोग। उनकी पत्नी बोली बलि महाराज की, जो स्वयं उसकी भाग है, उस धन की भाग है, वो बोली असुरगण भगवान के एकाधिकार को स्वीकार नहीं करते कि सारा धन संपत्ति भगवान का, वो क्या वजह है उसकी बजाय डिवाइड करते हैं कि ये ब्रह्मांड में संपत्ति का ये अंश मेरा है अपने लिए और ये भगवान के लिए, मैं इस भाग को दान में दे सकता हूँ, इस भाग को निजी भोग के लिए रखा हुआ है। ये सब आसुरी धारणा है, इसका वर्णन भगवद गीता में, इदम अद्य मया लब्धम इमम प्राप्त से मनोरथम, अभी तक मैंने इतना धन तथा इतनी भूमि प्राप्त की है, अब मुझे इसमें और भी वृद्धि करनी है, उस प्रकार मैं सबसे बड़ा स्वामी बन जाऊंगा, भला मेरी बराबरी कौन करेगा, ये सब आसुरी विचार। बलि महाराज की पत्नी ने अपने पति पर यह दोष लगाया कि यद्यपि भगवान ने उस पर असामान्य अनुग्रह करके बंदी बनाया है और यद्यपि वे भगवान के तीसरे पग के लिए अपना शरीर अर्पित कर रहे हैं, किंतु वे फिर भी अज्ञान के अंधकार में हैं। तो उनकी पत्नी बोलती है कि ये शरीर अर्पित करें तीसरे पग के लिए, वास्तव में शरीर भी उनका नहीं है, किंतु दीर्घकालीन आसुरी मनोवृत्ति के कारण समझ नहीं पाए, बहुत लंबे समय तक असुर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कहने का मतलब है। मेरे पति ने बोल दिया कि मेरा शरीर ले लो, शरीर भी तो अपना नहीं, तो हम लोग लंबे समय तक असुर बने रहे इसलिए ऐसा हुआ है। उन्होंने सोचा कि अपने दान के वचन को पूरा न करने पाने से अपयश के भागी हुए है, और चूंकि शरीर उनका है अतः भी अपना शरीर दान देकर इस अपयश से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा सोचा उन्होंने। किंतु वास्तविकता तो ये कि शरीर किसी का ना होकर भगवान का है, क्योंकि शरीर भी तो उन्होंने प्रदान किया। तो जैसे भगवद गीता में कहा गया, ईश्वर सर्वभूतानां देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रुणानि माया, भगवान हर एक के हृदय में विराजमान है और वे अपनी माया शक्ति के द्वारा जीव को उसकी इच्छा के अनुसार एक विशेष प्रकार का यंत्र अर्थात शरीर प्रदान करते हैं। यह शरीर वास्तव में उस जीव का नहीं होता अपितु तो भगवान का है। ऐसी दशा में बलि महाराज कैसे बोल सकते हैं कि मेरे शरीर को नाप लो, मेरा शरीर कहाँ से हो गया। इस प्रकार बलि महाराज की बुद्धिमती पत्नी विंध्यावली ने प्रार्थना की कि भगवान अपनी अहेतु की कृपा से उनके पति को छोड़ दे। ये प्रार्थना करें कि अहेतु कोई कोई कंडीशन नहीं, इनके शरीर भी आपका ही है, इन्होंने शरीर दान में वो भी नहीं, केवल आप इनको अहेतु की कृपा करके छोड़ दीजिए, अन्यथा बलि महाराज क्या थे, एक लज्जाहीन असुर थे जिन्हें त्यक्ता अहित ये तथा वरोपति कर्तवाद कहा गया। ऐसा मूर्ख व्यक्ति जो परम पुरुष की संपत्ति पर अपना स्वामित्व जता रहा हो, ऐसे कलयुग में ऐसे निर्लज बुद्धिहीनों को जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते, संख्या बढ़ गई है। भगवान की सत्ता का उल्लंघन करने के प्रयास में तथा कथित विज्ञानी दार्शनिक तथा राजनीतिक विश्व के विनाश की योजनाएं तैयार करते हैं, वे विश्व के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर सकते और दुर्भाग्यवश कलयुग के कारण उन्होंने विश्व के मामलों को अवस्थित कर दिया। इस तरह उन्होंने उन अबोध लोगों के लाभ के लिए जो ऐसे असुरों के प्रचार द्वारा भ्रमित हो रहे हैं, कृष्ण भावना मत आंदोलन की नितांत आवश्यकता है। यदि वर्तमान स्थिति को इसी रूप में देना रहने दिया जाए तो लोगों को इन असुर दुर्बुद्धियों के लीडरशिप में, इनके नायकत्व में अधिकाधिक कष्ट झेलने होंगे। इस प्रकार से विंध्यावली भगवान से प्रार्थना कर रही है बलि महाराज को छुड़ाने के लिए। तो इस चैप्टर में काफी सारे एक दो अध्याय में बलि महाराज के द्वारा काफी सारी शिक्षाएं मिल रही हैं, क्योंकि बलि महाराज स्वयं भी एक महाजन है, 12 महाजनों में से एक बलि महाराज ने। इसके आगे ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं और आगे क्या होता है, भगवान क्या बोलते हैं, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।